Hey friends, welcome back to my channel. आज हम Twin Sisters इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये नेदरलैंड की फिल्म है जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक की कहानी पर आधारित है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.4। तो स्टार्ट करते हैं फिल्म की कहानी को। साल है 1925 का और जगह है जर्मनी। फिल्म के पहले ही सीन में हम दो जुड़वा बहनों को देखते हैं जिनकी माँ नहीं है, उनके पिता ही उनका ख्याल रखते हैं। दोनों बहनें 6 साल की है, एक का नाम है आना और दूसरे का नाम है लोटे। फिर 1926 में आना और लोटे के पिता का भी निधन हो जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती है। तब इनके दो दूर के रिश्तेदार इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उनमें से एक बहुत ही गरीब जर्मन परिवार से है जो दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है घर के काम कराने के लिए, और दूसरा नेदरलैंड का एक हायर मिडिल क्लास परिवार है जो दोनों बहनों को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं है। पर बाद में दोनों रिश्तेदार मिलकर ये फैसला करते हैं कि दोनों भी दोनों बहनों को नहीं ले जाएंगे बल्कि दोनों एक एक को लेकर जाएंगे, और ऐसा ही होता है। दोनों इन दोनों बच्चियों को अलग करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहां जाते ही छोटी सी आना को काम पर लगाया जाता है, और इधर लोटे के नए माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। पर दोनों बच्चियां अपनी बहन के कॉन्टेक्ट में रहना चाहती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को खत लिखती है। लेकिन आना लोटे को खत पोस्ट नहीं कर पाती क्योंकि आना और उसके नए माता पिता के पास लोटे के माता पिता का एड्रेस नहीं है, और लोटे भी आना को खत लिखती है पर लोटे के पिता ये खत पोस्ट नहीं करते क्योंकि उनको डर है कि ये गरीब किसान लोटे पर भी अपना अधिकार जमाएगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि उनसे कोई भी कॉन्टेक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से दो परिवार इन दोनों जुड़वा बहनों को अलग अलग कर देते हैं। फिर कभी वो दोनों ना मिले इसके लिए भी कोशिश करते हैं, पर दोनों जुड़वा सिस्टर्स बेचैन हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। फिर समय बीतता है और साल आता है 1936 का। अब ये दोनों भी बड़ी हो चुकी है लेकिन बीते सालों में दोनों कभी भी किसी भी तरीके से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई है। आना की लाइफ नौकरानी की तरह काम करते करते बीत रही है और लोटे एक अच्छे परिवार में काफी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है। आना के फादर आना को एक दिन बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। तब उसे पास के चर्च के फादर हॉस्पिटल और एक स्कूल में लेकर जाते हैं। आना बचपन से चाहती थी कि वो स्कूल जाए पर उसे कभी मौका नहीं मिला, उसके नए माता पिता ने उसे कभी स्कूल में नहीं डाला। पर अब जब आना को स्कूल जाने का मौका मिला है तो वो फिर कभी वापस लौट के उस घर में नहीं जाती है और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाती है। फिर साल आता है 1939 का। आना स्कूल से निकलकर कुछ काम ढूंढती है और उसे एक नाजी जर्मनी के ऑफिस में एज अ मेड का काम मिल जाता है। वहाँ भी वो बहुत मेहनत करती है। इधर लोटे को एक दिन वो सारे खत मिलते हैं जो उसने आना को बचपन से अब तक लिखे हुए थे, पर उसके माता पिता ने उन्हें कभी पोस्ट ही नहीं किया था, और लोटे सोचती रही कि आना आखिर जिंदा भी है या नहीं क्योंकि अभी तक उसने एक भी खत का जवाब कभी नहीं दिया है। आना ने कभी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। फिर लोटे आना को ढूंढने के डिसाइड करती है और आखिरकार वो आना को एक खत भेजने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। आना भी इतने सालों बाद पहली बार लोटे का खत पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और अब तक आना ने जर्मन ऑफिस में काम करना बंद करके एक बहुत ही अमीर घर में काम करना शुरू कर दिया था। फिर आना और लोटे दोनों एक दूसरे से खत के जरिए बातें करने लगती है, और कुछ समय बाद फाइनली दोनों डिसाइड करती है कि वो दोनों मिलेंगी और लोटे आना से मिलने के लिए आ जाती है। इतने सालों बाद वो दोनों पहली बार मिलती है, एक दूसरे को देखती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। फिर लोटे आना के साथ वो जहाँ काम करती है और रहती है वहाँ आती है, वो भी काम में आना की मदद करती है। एक पूरा दिन और पूरी रात वो दोनों साथ में बिताते हैं, और जाते समय लोटे आना को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर आना उसे यहाँ का काम खत्म करके वहाँ मिलने आने का वादा करती है। जाते समय लोटे आना को अपने फियांसे की फोटो भी दिखाती है। आना पूछते हैं कि क्या तुम्हारा फियांसे ज्यूइश है। लोटे का फियांसे ज्यूइश ही है जिसका नाम डेविड है, पर आना की भी सोच बाकी नाजी लोगों जैसी ही है। ये देखकर लोटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है कि आना भी ऐसा सोचती है। फिर आना अपनी मालकिन से
हॉलैंड जाने की परमिशन लेने में जुट जाती है। हॉलैंड में जहाँ लोटे रहती है वो उससे मिलने जाना चाहती है। आना बहुत एक्साइटेड है और लोटे के बुलाने पर वहाँ जाना चाहती है, पर आना की मालकिन उसे परमिशन नहीं दे रही है। तब आना लोटे को खत लिखती है और कहती है कि शायद मुझे और थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे पास आने में, पर मैं पक्का आऊंगी। लेकिन नाराज लोटे जवाब में आना को लिखती है कि वॉर की परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर ना आओ। इस खत से और इन बातों से आना बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि लोटे ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ ना आए, यही बेहतर होगा। आखिर इतने सालों बाद मिलकर वो दोनों खुश थी, फिर ऐसी कौन सी बात है जो लोटे को बुरी लगी और अब वो उससे मिलना नहीं चाहती। फिर लोटे को और उसके परिवार को खबर मिलती है कि जर्मनी ने बिना किसी वार्निंग के हॉलैंड पे अटैक कर दिया है और इससे लोटे परेशान हो जाती है कि जर्मन्स ज्यूज के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं और अब वो यहाँ पर भी है। फिर साल आता है 1942 का और लोटे अपने फियांसे के साथ मूवी देखने जाती है। वहाँ उसे याद आता है कि उसका हैंडबैग तो कैफे में ही छूट गया है जहाँ उन्होंने अभी अभी कॉफी पी थी। तो डेविड मतलब लोटे का फियांसे उसका हैंडबैग लेने के लिए जाता है, पर वापस लौटकर नहीं आता और लोटे बस इंतजार करती रह जाती है। फिर अगले दिन लोटे को खबर मिलती है कि जर्मन्स ने डेविड को पकड़कर ले गए हैं। डेविड एक ज्यू है, उन्हें एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि वो किसी काम की वजह से जर्मनी गया है, पर असल में उसे जर्मन्स उठाकर ले गए हैं। उसके बाद लोटे निराश होकर आना को खत लिखती है। हालांकि लोटे और आना ने एक दूसरे से बात करना काफी लंबे अरसे से बंद कर दिया है, लेकिन इस वक्त लोटे को आना की बहुत जरूरत है। इसीलिए वो आना को लिखती है कि डेविड जर्मनी में है किसी बुशेनवाल्ड नाम की जगह पर और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है वहाँ पर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आना को उसके बॉयफ्रेंड का एक खत मिलता है और आना का बॉयफ्रेंड एक एसएस नाजी ऑफिसर है और उसने उस खत में शादी के बारे में लिखा हुआ था। वो दो दिन बाद आना से शादी करना चाहता था और ये बात पढ़कर आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शादी की तैयारी करके वहाँ से निकल जाती है। जब आना जा रही थी तभी वहाँ लोटे का खत रिसीव होता है। वहाँ की एक मेड ये खत आना को देने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक आना दूर जा चुकी थी, सो लोटे का ये खत आना तक कभी नहीं पहुँच पाया। और फिर कुछ समय बाद लोटे के घर पर डेविड का एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा है कि अब वो ऑस्विच कैंप में है। ऑस्विच में एक ज्यूइश लोगों के लिए बनाया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जहाँ पर ज्यूज पे बहुत अत्याचार होता है। ये सब पढ़कर लोटे और उसकी फैमिली को बहुत शॉक लगता है। इधर आना भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब उसकी शादी एक एसएस नाजी ऑफिसर से हो चुकी है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और उसके बाद साल आता है 1944 का और लोटे के परिवार वालों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की असलियत के बारे में पता चलता है कि कैसे वहाँ पर ज्यूइश लोगों पे अत्याचार होता है, कैसे उनको गैस चैम्बर में डालकर एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब बातें सुनकर लोटे का दिल बैठ जाता है, पर वो डेविड के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर साल आता है 1945 का, जब आना को पता चलता है कि वॉर के दौरान उसका हस्बैंड मारा गया है और फिर से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और फिर फाइनली वॉर भी खत्म हो जाता है, पर लोगों की जिंदगी फिर से पहले जैसी नॉर्मल होने में शायद अभी बहुत लंबे अरसे की जरूरत है। फिर समय के साथ धीरे धीरे लोग और परिस्थितियां बदलने लगती हैं और साल आता है 1947 का। लोटे भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसकी शादी डेविड के भाई से हो चुकी है क्योंकि ऑस्विच कैंप से डेविड कभी वापस नहीं लौट पाया था और अब लोटे की एक छोटी सी बेटी भी है। और तभी आना एक बार फिर अपनी बहन से सुलह करना चाहती है और उससे मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से उसका एड्रेस ढूंढ निकालती है और उसके घर पे पहुंच जाती है। पर लोटे आना से बहुत नाराज है क्योंकि उसने लोटे के आखिरी खत का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही उसने डेविड या लोटे की कोई मदद करने की कोशिश की थी। इसीलिए लोटे आना से बहुत ज्यादा नाराज थी और उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोटे का पति उसे समझाता है। पर तभी आना के सामान में लोटे को आना के हस्बैंड के साथ वाली एक फोटो दिखाई पड़ती है
जिसमें आना के हस्बैंड ने एसएस नाजी ऑफिसर की वर्दी पहन रखी थी। ये जानकर कि आना की शादी एक एसएस नाजी ऑफिसर से हुई थी, लोटी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि आना और उसके हस्बैंड ने या उन्हीं की वजह से डेविड मारा गया है। आना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लोटे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। और फिर ये दोनों बहनें फिर से एक बार जिंदगी भर के लिए अलग हो जाती है। पर उम्र के आखिरी पड़ाव पे जिंदगी एक बार फिर से उन दोनों को मिलाती है। आना उन दोनों के बीच में हुई सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन लोटे आना से कोई भी बात करना नहीं चाहती। वो आज भी आना से उतनी ही नाराज है, उतनी ही नफरत करती है जितनी नफरत उसने आना को घर से बाहर निकालते टाइम की थी। लेकिन आखिरकार आना लोटे को अपनी बात सुनने के लिए मना लेती है और इतने सालों में हुई सारी गलतफहमियां दूर करती है। पर फिर भी लोटे को लगता है कि आना और उसके पति उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसने डेविड की जान ली, इसीलिए वो अभी भी नाराज तो है, लेकिन वो आना को फाइनली माफ कर देती है। और आखिरकार उम्र के छठे साल में जुदा हुई ये जुड़वा बहनें इतने सालों बाद फिर से एक बार वही प्यार एक दूसरे के लिए महसूस करती है। और इस सुलह के बाद आना अपनी जिंदगी और लोटे का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और लोटे फिर से एक बार अकेली हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।